So greetings to all of you. Hello everyone, welcome to the Exam Castle. And today in this video we are going to look at one of the most important area of your English grammar, that is subject verb agreement. Okay, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, जिसमें हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे आप सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कह सकते हो। कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट बोथ आर द सेम सिनोनिम्स है। तो किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड दिया रहेगा, किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया रहेगा। सो बोथ आर द सेम, आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए टारगेट कर रहे हो, वेदर यू आर टारगेटिंग नेशनल लेवल MBA एंट्रेंसेस लाइक IFT, NMAT, SNAP, CMAT, MBA, CET, ओके, TISNET में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से। उसी के साथ साथ पहले जब कैट में ग्रामर पर फोकस हुआ करता था तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ भी फेवरेट एरिया था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। रिसेंट ईयर में कैट में ग्रामर नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल ग्रामर के रूल्स हमें पता रहना ज़रूरी है। इन जनरल अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो, ओके, आप डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना पड़ता है, तो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत आपकी हेल्प करेगा। जो सिली मिस्टेक्स होती है इंग्लिश स्पीकिंग में, वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइक SSC CGL, रेलवेज, इंश्योरेंस एग्ज़ाम, उसी के साथ जितनी भी बैंकिंग की आपकी एग्ज़ाम्स है, IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, लाइकवाइज जितनी भी मेजर एग्ज़ाम्स है, RBI की भी एग्ज़ाम्स होती है, वहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ग्रामर के एरिया में, और ओवरऑल जिस भी एग्ज़ाम में ग्रामर टेस्ट होता है तो वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चंस दिखना ही है। सो बहुत माइन्यूटली इस वीडियो को देखो। सारे जो वीडियोस है मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। फॉर्मेट हमारा डिस्कशन का रहेगा, रूल बाय रूल हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है 20 to 25 बेसिक रूल्स से स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे एडवांस रूल्स तक। ओके, सो मैं 3 प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए। एक जिसमें सिंगल वीडियोस में पूरे रूल्स डिस्कस रहेंगे 1 by 1, उसके बाद में एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम टॉप 5 रूल्स को मर्ज करके डिस्कस करेंगे, और एक जो यूनिवर्सल वीडियो रहेगा ऑल इन वन, जिसमें सारे व्यू जितने भी हमारे रूल्स है जो हम वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, सो वीडियो को पूरा देखो और सारे रूल्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा डिस्कशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मोस्टली हमारा नाउन या प्रोनाउन यही रहेगा। ओके, बेसिक जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि नाउन्स और प्रोनाउन्स यही हमारे इन जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, उसी के साथ साथ वर्ब जो है, वर्ब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ब एक्शंस डिनोट करता है। सो आप बेसिक जो भी कंसेप्ट्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको पता ही है। वैसे भी जहाँ ज़रूरत पड़ते रहेगी एक्सेप्शन रूल्स की, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। सबसे बेसिक जो रूल है जिसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसे सबसे पहले ध्यान में रखो। ओके, और वो डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए कि नाउन वर्सेस वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है स्पेशली रिमेंबर करके। ओके, सो रिमेंबर के नीचे आप देखो, मैंने मेंशन किया है नाउन। ओके, नाउन प्रोनाउन ये आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वर्सेस में है आपका वर्ब। तो हमें जस्ट बेसिक डिफरेंस पता रहना चाहिए, जो कि स्कूल में भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, सबसे पहले देखो, सिंगुलर नाउन की अगर मैं बात करूं, या हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है बॉय। ओके, सो बॉय सिंगुलर है। ओके, सो प्लूरल क्या होगा बॉय का, वो होगा बॉयज़, मतलब उसके एंड में एस लगेगा, डिपेंड करता है SES ये लगते रहता है एंड में। ओके, जब हमें सिंगुलर से प्लूरल करना है इन जनरल, तो देखो जब सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा, वहाँ सिंगुलर में हमारा बॉय। ओके, और प्लूरल उसका होगा बॉयज़, मतलब आप उसके एंड में एस या ES लगा देंगे। वर्ब में जस्ट इसके अपोजिट है, जब सिंगुलर वर्ब की हम बात करते हैं तो वहाँ
एस लगेगा और नॉर्मल जो आपका प्लूरल फॉर्म रहेगा वो सिंपल फॉर्म में रहेगा। जैसे आप देखो वर्ब की हम बात करें, प्ले अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो यहाँ प्लेज है, ओके। सिंगुलर वर्ब जो है वो हमारा प्लेज रहेगा, सिंगुलर में ही एंड में एस लगा हुआ है यहाँ, और जो इसका प्लूरल फॉर्म है तो सिंपली है प्ले, ओके। सो ये आपको ऑब्जर्व करना है और नोट करके रखना है। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मोस्टली जो सीली मिस्टेक्स होती है वो यही होती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो इसी चीज़ पर होता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना है हमें कि सब्जेक्ट जो है हमारा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। लाइकवाइज वर्ब को देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें सबसे बेसिक जो डिफरेंस है सब्जेक्ट और वर्ब में वो पता रहना चाहिए, ओके। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट तो हमारा मोस्टली नाउन और प्रोनाउन ही रहेगा। सो अब देखो सिंगुलर नाउन हम लेते हैं यहाँ पर बॉय, उसी का प्लूरल होगा बॉयज, एस लग गया उसके एंड में। वर्ब में जस्ट उसके अपोजिट होगा, सिंगुलर की जब बात है तो उस समय वहाँ पर एस लगा है, जैसे हम यहाँ पर प्ले कंसिडर कर रहे हैं तो सिंगुलर है प्लेज, ओके, और उसी का प्लूरल फॉर्म है प्ले। सो इस डिफरेंस को नोट करके रखो, ये बहुत बेसिक है बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए। सो एस में क्या डिफरेंस है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है तो उसके प्लूरल फॉर्म में एस रहता है, एस ई एस डिपेंड करता है, और वर्ब में जो हमारा सिंगुलर रहेगा सिंगुलर फॉर्म वहाँ पर एस या ई एस लगा रहेगा। सो इस चीज़ को नोट करके रखो, ओके। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, बस हमें दो चीज़ों पर मेन फोकस रखना है, सारे रूल्स भी हमारे इसी कंसेप्ट पर डिपेंड रहेंगे। बेसिक जो है उसमें देखो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सो इसका एग्जाम्पल भी देखो साथ में, ओके। सो एग्जाम्पल इसका होगा सिंपल सा, द बॉय प्लेज ऑल डे, ओके। जो बॉय है वो पूरे दिन खेल रहा है, द बॉय प्लेज ऑल डे, ओके। सो यहाँ पर देखो बॉय जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये नाउन है। अब जस्ट हमने डिस्कस किया है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पर देखो एस नहीं लगा है, यहाँ पर सिंपल सिंगुलर फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चुका है, तो इसीलिए हमें जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगेगा, ओके। सो वही एग्रीमेंट है और वही कॉनकॉर्ड है जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं सिंपली। तो सिंगुलर जब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है तो अब हमें जैसे वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर प्लेज लिखा हुआ है और एंड में एस है। जस्ट हमने डिस्कस किया था माइन्यूट डिफरेंस जो होता है सिंगुलर और प्लूरल में, बस वही चीज़ है, ओके, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है द बॉय प्लेज ऑल डे, यहाँ पर बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा जो कि है यहाँ पर प्लेज, ओके, और उसके एंड में एस है। सो नोट करके रखो इस चीज़ को। और उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ओके। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल लगेगा, बस बेसिक कंसेप्ट है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अनेक वचनी है, तो मेरा जो ये है वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। हमें शुरुआत से पता है, हिंदी ग्रामर में भी हम पढ़ते आ रहे हैं एक वचन अनेक वचन जो होता है, तो हमें पता है ये सब चीज़ें। तो इसी का एग्जाम्पल होगा द बॉयज प्ले ऑल डे, ओके, मतलब एक से ज़्यादा है बॉयज, तो इसके लिए हमने वहाँ पर बॉयज कंसिडर किया है, एक बॉय से ज़्यादा है, प्लूरल है, ओके, यहाँ पर एस लग चुका है, सब्जेक्ट है हमारा बॉयज, ओके, सो यहाँ पर एस लग चुका है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। अब मुझे ज़रूरत है प्लूरल वर्ब की, और प्लूरल वर्ब जो है तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसके एंड में एस ई एस नहीं लगेगा, ओके, बेसिक जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो उसी को देख लो, द बॉयज प्ले ऑल डे, यहाँ पर बॉयज प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, और जो कि प्लूरल है प्ले, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बेसिक रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल था द बॉय प्ले ऑल डे, ओके, बॉय आप देख सकते हो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो मुझे उसके पेयर में भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, ओके। सो हमने जस्ट डिस्कस किया था डिफरेंस नाउन वर्सेस वर्ब का, जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का डिफरेंस है,
एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। सो उसी के हिसाब से आप देखो प्लेस जो है ये सिंगुलर होगा, तो वही है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा द बॉय। बॉय एक ही है मतलब सिंगल है, ओके। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए हमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा जो कि ये प्लेस। सो इसीलिए करेक्ट है ये द बॉय प्लेस ऑल डे, ओके। उसी के साथ साथ प्लूरल अगर मेरा सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सो सिंपली हमने देखा है यहाँ पर द बॉयज प्ले ऑल डे। बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा बॉय है, मतलब ग्रुप है, अनेक वचन हो चुका है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा, तो अब मुझे वर्ब भी प्लूरल लगेगा और प्लूरल वर्ब जो मेरा रहेगा तो वो यहाँ पर होगा सिंपली प्ले, इसीलिए द बॉयज प्ले ऑल डे, ओके। सो सिंपली आपने नोट कर लिया होगा और यही बेसिक डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और अगर आप ये दो सिंपल एग्जांपल भी समझ जाते हो तो बहुत इजी हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें डील करने के लिए, ओके। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ब शुड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट टेंस। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पॉसिबल होता है। जैसे जस्ट हमने एग्जांपल्स में देखा द बॉय प्लेज ऑल डे, प्लेज ओके प्रेजेंट टेंस में है। द बॉयज प्ले ऑल डे, प्ले ये भी प्रेजेंट टेंस में है। ये प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब यहाँ पर, इसीलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को वहाँ पर कर पाए, ये आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, स्पेशली नोट कर लो इस पॉइंट को, ओके। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते देख लो, इफ़ वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमारा वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें हमेशा फोकस रखना होगा वर्ब के ऊपर, देखना होगा कि ये प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट टेंस में है तो येस आगे बढ़ो और फिर हमारे रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी भी एग्जांपल को। अगर आप पॉज करके देख लेते हो कि जो हमारा वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो वही रुक जाओ और आंसर जो होगा वो आपका होगा नन ऑफ द अबव, ओके, यानी कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो पाए, बिकॉज हमारा वर्ब जो है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। उसके एग्जांपल देख लो, ओके, जो सेम एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं उन्हें ही कंटिन्यू करते हैं सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे एग्जांपल है द बॉय प्लेड ऑल डे, ओके, यहाँ पर पास्ट टेंस हो चुका है, प्लेड मतलब खेल चुके हैं, ओके, सो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके, सो नोट करो इस चीज़ को। उसके बाद में द बॉयज प्लेड ऑल डे जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, उसी में हमने प्रेजेंट टेंस में था प्ले तो उसे पास्ट टेंस में कर दिया है, द बॉयज प्लेड ऑल डे, ओके। सो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिकॉज यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में जा चुका है। सो ये आपको नोट करके रखना है बिकॉज बहुत सी बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा और स्टूडेंट्स रूल लगाने में लग जाते हैं, बट सबसे पहले आपको यही देखना है हमेशा कि वर्ब शुड ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंट टेंस, ओके, वो पास्ट टेंस में रही नहीं रहना चाहिए। जितने भी बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब भी मुझे सिंगुलर लगेगा, जिसका एग्जांपल हमने देखा था द बॉय प्लेज ऑल डे, यहाँ बॉय मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा सिंगुलर वर्ब है प्लेज, ओके, और उस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो उसका एग्जांपल हमने देखा द बॉयज प्ले ऑल डे, बॉयज़ एक से ज़्यादा है, ओके, मतलब प्लूरल हो चुका है मेरा सब्जेक्ट तो मुझे वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो वर्ब हमारा जो प्लूरल फॉर्म में रहेगा वो सिंपली रहेगा प्ले। बट इन एग्जांपल्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में ना होके पास्ट टेंस में है, तो ऐसे केसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके, सो इस चीज़ को नोट करके रखो। जब भी पास्ट टेंस में रहे हमारा वर्ब जो है हमारा, सो ये अगर पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस केस में नहीं हो सकता। तो ये जस्ट सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। सिंपली जो है बस दो रूल्स है हमारे यहाँ पर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए, और वर्ब जो है हमेशा देखो
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले कि प्रेजेंट टेंस में ही है या पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है, वर्ब शुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस। बस इस चीज़ को नोट करो। और इन दी एंड फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो डिफरेंस है, सब्जेक्ट हमारा इन जनरल नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में ही रहेगा। तो जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, बॉय अगर हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, तो इसका प्लूरल होगा बॉयज़, ओके, एंड में एस या ई एस लगेगा। वर्ब में जस्ट अपोजिट है, जब सिंगुलर की बात रहेगी, हम प्ले एज अ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जब सिंगुलर रहेगा तो तभी वहाँ पर एस लग जाएगा एंड में, एस या ई एस, मतलब सिंगुलर फॉर्म होगा प्लेस और प्लूरल फॉर्म जो होगा वो सिंपली रहेगा प्ले, ओके। सो एकदम अपोजिट रहेगा, इस पॉइंट को नोट करके रखो। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। सो अब हमारा रूल बाय रूल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।